हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज की न्यू रेसिपी है कॉर्न गार्लिक चीज टोस्ट सैंडविच। चलो बनाते हैं। एक बाउल में मैंने एक चम्मच बटर लिया है, उसमें डाल दिया आधा किया हुआ चॉपर किया हुआ लहसुन, और अब मैं डालूंगी मक्के के कुछ मक्का जो मैंने छिल के रखे हुए हैं। और चाह आप चाह तवे बना रहे हैं तो उसको हल्का सा स्टीम करके बना सकते हैं। मैं उसको ओवन में बना रही हूँ इसलिए मैं इसको स्टीम नहीं कर रही हूँ, इसको मैं इसी तरह बना रही हूँ। अब मैं इसमें डालूँगी चीज़ मैं ट्यूब्स वाला डाल रही हूँ। आप चाहो तो इसको घिस के भी डाल सकते हो, मार्केट में घिसा चीज़ भी आता है। मैं ऐसे ही डाल रही हूँ, इन सबको मैं मिला लूँगी। इसमें डालेंगे एक चम्मच ऑरिगेनो, अब सबको हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के साथ साथ हम इसमें डालेंगे एक चम्मच स्वाद अनुसार नमक। नमक अगर आपको कम ज़्यादा खाते हैं तो अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अब इन सबको मिक्स कर लेंगे और ये हमारा तैयार हो गया पेस सैंडविच का। इसमें इसको हम रखेंगे पैन में, पैन मेरा ओवन का है। मैं सारे ब्रेड में इसी तरह बटर लगा लूँगी, इसी तरह सारे ब्रेडों में बटर लगा के तैयार कर लेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे पेस्ट टोस्ट का जो हमने बना के रखा हुआ सैंडविच का। सारे ब्रेड में इस तरह बना के हम एक एक करके बना के सब तैयार कर लेंगे। इस तरह तैयार हो गए हमारे सैंडविच के ब्रेड, एक एक करके हम सारे तैयार कर दिए ब्रेड। उसमें लगाएंगे हम डालेंगे अब चीज़ जो हमारे पास ट्यूब्स वाला चीज़ है। आप चाहो तो उसको घिस के भी डाल सकते हो, लेकिन मैं ऐसे डाल रही हूँ। इसी तरह मैं पूरे उसमें अच्छे से लगा देंगे, चीज़ थोड़ा ज़्यादा ही लगाएंगे। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें ऑरिगैनो। जब तक मैं इसमें डाल रही हूँ तब तक मैंने ओवन को रीहीट करने के लिए 5 मिनट के लिए छोड़ दिया है। तब तक मेरा ओवन रीहीट के लिए रखा हुआ है। तैयार है हमारा सैंडविच। अब हम इसको ओवन